दिल्ली में बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के ऊपर एलजी का बड़ा एक्शन। आपने उठाए एलजी वीके सक्सेना के एक्शन पर सवाल। मुझे लगता है कि भाजपा ये मुद्दा एक पॉलिटिकल गिमिक की तरह यूज कर रही है, क्योंकि एक तरफ तो वो नागरिकता देने की बात करते हैं इलीगल इमिग्रेंट्स को और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि घुसपैठिए है। तो बीजेपी बोली रोहिंग्या और बांग्लादेशी मामले पर आप हुई बेनकाब। आम आदमी पार्टी की तकलीफ मैं समझता हूँ, उन्हें सुरक्षा का कोई भी या दिल्ली को बचाने का कोई भी उपाय होता है तो उन्हें वो राजनीतिक चश्मे से देखते हैं। एक वर्ग विशेष को खुश करने की जो उनकी नीति है उसके लिए उनकी मजबूरी है, उस तरह से बोलते हैं। अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए आपने दिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को आईडी कार्ड। जांच ये होनी चाहिए कि क्या आम आदमी पार्टी की सरकार, क्या अरविंद केजरीवाल जी चुनाव में हार के डर से घुसपैठियों को फेक वोटर आईडी बनाने का एक पूरा रैकेट उनकी पार्टी चला रही है। एक तरफ देश की राजधानी दिल्ली में आने वाले हैं विधानसभा के चुनाव और अब एक बार फिर से बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के मामले पर, जहां एक तरफ दिल्ली के एलजी ने लिया है बड़ा एक्शन पर बयानबाजी कर अब फंसती हुई नजर आ रही है आम आदमी पार्टी। आखिरकार इतना ज्यादा लगाव क्यों है आम आदमी पार्टी को रोहिंग्या बांग्लादेशियों से, जो दिल्ली में नहीं है दिल्ली वालों के लिए जगह वहां पर क्यों बसाया जा रहा है बांग्लादेशी घुसपैठियों को। लगातार ये मुद्दा अब सोशल मीडिया के माध्यम से उठाया जा रहा है जनता की तरफ से और पूछे जा रहे हैं आम आदमी पार्टी से सवाल। दरअसल आपके लिए बता दें कि बीते दिन दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने दिल्ली की पुलिस के लिए पत्र लिखकर इस पूरे मामले की जानकारी लेने के लिए कहा है और कहा है कि इस पूरे मामले पर रिपोर्ट जो है वो एलजी ऑफिस के लिए सौंपी जाए कि किस तरीके से दिल्ली में लगातार रोहिंग्या बांग्लादेशियों का प्रकोप बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। डीडीए लैंड से लेकर हर जगह पर जो है ये लोग कब्जा कर बैठ रहे हैं। जहां एक तरफ एलजी ने लिया एक्शन उससे कुलबुला उठी आम आदमी पार्टी। जरा सुनिए क्या कह रही है आम आदमी पार्टी की ही नेता इस पूरे एक्शन को लेकर जो कि लिया गया है दिल्ली के एलजी की तरफ से। सुनिए क्या कह रही हैं प्रियंका कक्कड़। ये तो बेहद चिंता का विषय है, क्योंकि अगर घुसपैठिए हैं हमारे देश में तो उसकी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी गृह मंत्रालय अमित शाह जी के अंडर है। तो पहले तो एक थरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ये घुसपैठिए आ कहां से रहे हैं, कितना नंबर है इन घुसपैठियों का। और मुझे लगता है कि भाजपा ये मुद्दा एक पॉलिटिकल गिमिक की तरह यूज कर रही है, क्योंकि एक तरफ तो वो नागरिकता देने की बात करते हैं इलीगल इमिग्रेंट्स को और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि घुसपैठिए हैं। आपने देखा कि आम आदमी पार्टी की लगातार जो है वो बौखलाहट सामने आ रही है और इसी बौखलाहट को लेकर अब बीजेपी ने बड़ा हमला बोला है आम आदमी पार्टी के ऊपर और किया है एलजी के द्वारा उठाए गए इस एक्शन का स्वागत। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा सुनिए क्या कह रहे हैं। हमारी राजधानी दिल्ली सुरक्षित रहे उसके लिए माननीय उपराज्यपाल जी ने एजेंसीज को कुछ निर्देश दिए हैं। मुझे लगता है लगातार व्यापारिक संगठन और आरडब्ल्यू को शिकायत कर रहे थे और दिल्ली में इस तरह की आपराधिक वारदातें भी बढ़ी जिसमें कुछ रोहिंग्याज के होने का संकेत मिला है। और माननीय उपराज्यपाल जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर रोहिंग्याज जो या ऐसे घुसपैठिए जो सड़कों पर अतिक्रमण कर रहे हैं उसके खिलाफ एजेंसी जांच करे और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा प्रयास है अपनी दिल्ली अपनी राजधानी को सुरक्षित करने का। और आम आदमी पार्टी की तकलीफ मैं समझता हूँ, उन्हें सुरक्षा का कोई भी या दिल्ली को बचाने का कोई भी उपाय होता है तो उन्हें वो राजनीतिक चश्मे से देखते हैं। एक वर्ग विशेष को खुश करने की जो उनकी नीति है उसके लिए उनकी मजबूरी है, उस तरह से बोलते हैं। लेकिन माननीय उपराज्यपाल जी के इस कदम का मैं तो समर्थन करता हूँ, दिल्ली वाले भी इस कदम का स्वागत करेंगे। और इसके बाद अब नजर डालते हैं कि एक तरफ वीरेंद्र सचदेवा तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी का भी इस पूरे मामले पर बयान सामने आया है। सुनिए क्या कह रहे हैं प्रदीप भंडारी। देखिए जांच ये होनी चाहिए
कि क्या आम आदमी पार्टी की सरकार, क्या अरविंद केजरीवाल जी चुनाव में हार के डर से घुसपैठियों के फेक वोटर आईडी बनाने का एक पूरा रैकेट उनकी पार्टी चला रही है। हम ये पूर्ण रूप से मानते हैं, भले झारखंड हो या दिल्ली हो, जो भी घुसपैठिया है वो इस देश का नागरिक नहीं है। हम कांग्रेस पार्टी के गुलाम अहमद मीर जैसे नहीं है जो ये कहते हैं कि घुसपैठियों को सिलेंडर दो, परंतु आज ये साबित हो चुका है कि इंडी अलायंस को देश के नागरिकों से कोई लेना देना नहीं, अगर उनको लेना है घुसपैठियों से। इसीलिए हम कहते हैं अगर इंडी अलायंस की सरकार आती है तो इस देश के अंदर ये बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का संविधान जो वी द पीपल ऑफ इंडिया के लिए है उसको वो हटा के घुसपैठियों को वोटर बनाएगी, घुसपैठियों के समर्थन में बातें करेगी और ये अपना एक माइनॉरिटी मुस्लिम वोट को आगे एस्टैब्लिश करेगी। जांच ये होनी चाहिए कि अरविंद केजरीवाल जी ने अपने तुष्टीकरण के वोट को बढ़ाने के लिए घुसपैठियों को फेक वोटर आईडी कार्ड दिए। प्रदीप भंडारी ने इस पूरे मामले को काफी ज्यादा गंभीर बताया है और पूछ लिया है अरविंद केजरीवाल से सवाल, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के एक और नेता यानी कि सिख नेता आरपी सिंह ने भी इस पूरे मामले को लेकर उठाए हैं सवाल। सुनिए क्या कह रहे हैं आरपी सिंह। कई सारे आरडब्ल्यू और इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के द्वारा ऐसी शिकायतें आ रही थी कि घुसपैठिए हैं और उनके कारण से वहां पर चोरी चकारी और इस प्रकार के मामले बढ़े हैं। उसको लेकर एलजी साहब ने जांच के लिए आदेश दिए हैं। जानकारी है लगभग 1100 घुसपैठिए यहां पर हैं जो इलीगल हैं यहां पर, जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं, कोई पेपर नहीं, ना उनको किसी प्रकार का शरण यहां दी गई है। अपेक्षा करते हैं दिल्ली पुलिस जांच कर जो लोग भी इस प्रकार के हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। और इसी के बाद भारतीय जनता पार्टी के सांसद अब योगेंद्र चंदोलिया का भी बयान सामने आया है। सुनिए क्या कह रहे हैं योगेंद्र चंदोलिया। देखिए, मैं जिस लोकसभा क्षेत्र से आता हूं, जितने मैं बड़े बड़े डीडीए के पार्क में जाता हूं जो खाली पड़े हैं, अवैध रोहिंग्या वहां पर बसे हुए हैं, और मैं मेरे डीसीपी, मैं कमिश्नर साहब को पत्र लिखूंगा आज कि मेरे क्षेत्र में कहां का रोहिंग्या हैं उनको तुरंत बांग्लादेश भेजने की आवश्यकता है, और अगर बांग्लादेश ना भेज सके, ना जा पाए, तो कम से कम जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है उनको अपना ले। और मैंने एक अभियान चलाया हुआ है, मेरे क्षेत्र के अंदर अवैध प्लॉटिंग होती है वहां पर रोहिंग्या बसाए जाते हैं, डीडीए की मैक्सिमम लैंड के ऊपर और नगर निगम के पार्कों के ऊपर रोहिंग्याओं का कब्जा है, और इनको मैं एलजी साहब के निर्णय का स्वागत करता हूं। जितनी दिल्ली में क्राइम बढ़ रहा है और जितना ये कोई इस बात को नहीं बता सकता कि दिन के अंदर प्लास्टिक का काम करते हैं और रात को उन तारों को जलाने का काम करके जितना हाई पोल्यूशन ये करते हैं, लेकिन पुलिस अगर ईमानदारी से काम करेगी और एलजी साहब को इसकी बार बार गंभीरता से देखते हुए 24 घंटे की रिपोर्ट उनको लेनी चाहिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर से, तो जाकर इसमें 3-4-5 महीने लगेंगे। ऐसे चिन्हित हैं, स्थान चिन्हित हैं, दिल्ली पुलिस को भी पता है, कॉरपोरेशन के लोगों को पता है, दिल्ली सरकार के लोगों को पता है, लेकिन करे कौन? एलजी साहब ने जो निर्णय लिया है अगर इम्प्लीमेंट होगा तो दिल्ली के रहने वाले लोग अपने आप को सुरक्षित मानेंगे, नहीं तो यही दिल्ली में क्राइम कैपिटल के नाम से इनके कारण दिल्ली में बदनाम है दिल्ली, और दिल्ली की बदनामी से बचनी चाहिए। देखिए, बीजेपी के नेता लगातार आम आदमी पार्टी और उनके बांग्लादेशी घुसपैठियों से प्रेम पर लगातार जो है वो सवाल उठा रहे हैं। पर इसी बीच अगर बात की जाए योगेंद्र चंदोलिया की, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जिस जगह से मैं सांसद हूं वहां पर भी डीडीए के लैंड पर लगातार जो है वो रोहिंग्या बांग्लादेशियों की बढ़ती जा रही है घुसपैठ, और इस पूरे मामले पर मैं भी आज पत्र लिखूंगा दिल्ली पुलिस को। देखिए, दिल्ली सरकार पर लगातार सवाल इसीलिए उठ रहे हैं कि एक तरफ दिल्ली में विकास और दिल्ली को आगे ले जाने की बात करते हैं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सरकार, तो वहीं दूसरी तरफ जब एलजी की तरफ से इस पूरे मामले पर लिया गया एक्शन, तो सबसे ज्यादा दिक्कत जो है वो एलजी के एक्शन से आम आदमी पार्टी को ही हुई, क्योंकि हमने पहले भी कई बार देखा है जिस तरीके से कालिंदी कुंज हो
हो या दिल्ली के तमाम एरिए जहां पर लगातार बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा रहा है और घुसपैठ लगातार बढ़ी है, उन्हें ही संरक्षण देने का काम और इसी के साथ पैसे दिए भी गए थे आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान के द्वारा। और जिस समय पर यानी कि जिस तरीके से मदद जो है वो बांग्लादेशी घुसपैठियों की आम आदमी पार्टी सरकार के द्वारा की गई थी, जिस पर कई वीडियो सोशल मीडिया पर भी सामने आए थे। और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि आज जिस तरीके से ये सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली का ही मुद्दा नहीं है बल्कि देश में भी लगातार इन बांग्लादेशी घुसपैठियों की लगातार तादाद जो है वो बढ़ रही है। और इसी मुद्दे को उठाते हुए दिल्ली में भी गंभीर मुद्दा बताया कल दिल्ली के LGV के सक्सेना ने और कहा कि क्या ये लोग भी वोट डाल सकेंगे, क्योंकि कई बार एजेंसियों ने छापेमारी और जब इन बांग्लादेशियों की पहचान हुई है तो इनके पास पासपोर्ट से लेकर बल्कि फर्जी आधार कार्ड भी मिले हैं। और इसीलिए ये चिंता का विषय हो जाता है कि जिस भी राज्य में होने वाले होते हैं विधानसभा के चुनाव, वहीं पर लगातार तादाद बढ़ती हुई इन लोगों की नजर आती है बांग्लादेशी घुसपैठियों की। और दिल्ली से भी ज्यादा ये मुद्दा झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी काफी ज्यादा उठाया जा रहा है, एक तरफ BJP तो वहीं दूसरी तरफ वहीं की जनता के द्वारा। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।